तो हमारा पहला क्वेश्चन है x प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टू इंटू एच माइनस थ्री। तो हमें ये चेक करके बताना है कि ये क्वाड्रिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास है एच प्लस वन का होल स्क्वायर, तो ये सब एच प्लस वन का होल स्क्वायर यानी कि एच स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स इक्वल टू टू में एच माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे टू एच माइनस सिक्स। ठीक है, सबको एक ही साइड में लेकर आएंगे, बोल सकते हैं कि एच स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स माइनस टू एक्स, ये माइनस है तो इधर आने पे हो जाएगा प्लस इक्वल टू जीरो। तो यानी हमारे पास आया एच स्क्वायर प्लस वन प्लस सिक्स इक्वल टू सेवन इक्वल टू जीरो। तो हमें ये बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में है कि नहीं है। देखिए, कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में तभी होगा जब वो ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी के फॉर्म में होगा। यदि इक्वेशंस जो है ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी के फॉर्म में रहेगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वरना नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। एक की जगह वन एच स्क्वायर एक्स है नहीं, इसलिए बी को जीरो मान लेते हैं प्लस सेवन इक्वल टू जीरो। तो ये इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, तो इसीलिए बोल सकते हैं हेंस द गिवन इक्वेशन Hence the given equations is a quadratic equation. Okay. तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें पता चल गया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। क्या है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको चेक करना था, आपने चेक कर लिया क्योंकि हम इसको सॉल्व किए, एच स्क्वायर प्लस सेवन आ गया और एच स्क्वायर प्लस सेवन ए एच स्क्वायर प्लस बी एच प्लस सी के फॉर्म में है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ही है, बोल रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, चेक करके बताइए। हमारे पास क्या है, देखिए यहाँ पे है एच स्क्वायर माइनस टू एक्स इक्वल टू माइनस टू इंटू थ्री माइनस एक्स। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, तो सिंपली इसको सॉल्व करते हैं। तो एच स्क्वायर माइनस टू एक्स इसको मल्टीप्लाई करते हैं माइनस सिक्स प्लस माइनस टू माइनस एक्स प्लस टू एक्स, सबको एक ही डायरेक्शन में लेकर आते हैं। एच स्क्वायर माइनस टू एक्स, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस इक्वल टू जीरो। तो क्या हो गया एच स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। तो ये तो दिख रहा है कि ये एच स्क्वायर प्लस बी एच प्लस सी के फॉर्म में ऑलरेडी है, क्योंकि यहाँ पे वन रखेंगे एच स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। ये इसको फॉलो कर रहा है, तो इसीलिए बोल सकते हैं Hence, the given equation is quadratic equation. Okay, ठीक है, अब आते हैं next questions पे। इसी तरह next questions भी है, हमें चेक करके बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। सिंपली मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा एच स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं एच स्क्वायर माइनस एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री। ठीक है, दोनों को एक ही डायरेक्शन में लेके आते हैं। तो एच स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, ये क्या आया एच स्क्वायर प्लस टू एच माइनस थ्री। एक स्टेप और ले लेते हैं, एच स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, ये आया प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। तो माइनस टू एक्स माइनस माइनस एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। ओके,
तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है ये भी चेक कर लेते हैं। ओके, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है क्योंकि ये एच स्क्वायर प्लस बी एच प्लस सी को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि एक कंडीशन ऑलरेडी ये होता है कि ए एच स्क्वायर प्लस बी एच प्लस सी इज इक्वल टू जीरो वेयर ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ए जैसे ही जीरो हो जाएगा इसकी डिग्री वन हो जाएगी, और डिग्री वन हो जाएगी तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बजाय लीनियर इक्वेशंस हो जाएगा। यहाँ पे ए को जीरो नहीं होना चाहिए, अगर इसको इस पर हम फिट करते भी हैं तो हमें ए को जीरो रखना पड़ेगा। मान लेते हैं जीरो एच स्क्वायर, ठीक है, माइनस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो ए तो जीरो नहीं होना चाहिए, ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ए जीरो नहीं होना चाहिए, तो बोल सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके, बोल सकते हैं हेंस द गिवन इक्वेशन Hence the given equation is not a quadratic equation, is not a quadratic equation. Okay? ये quadratic equation नहीं है। बात समझ में आ रही है? चलिए next questions पे आते हैं फटाफट। ये भी बोल रहा है कि हमें check करके बताइए कि quadratic equation है कि नहीं है। Okay? तो चलिए चेक करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं, टू एच इंटू एक्स टू एच स्क्वायर माइनस थ्री इंटू टू एच सिक्स एच सिक्स एक्स, वन में मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस थ्री इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस फाइव एक्स। ओके, दोनों को एक ही डायरेक्शन में लेकर आते हैं, टू एच स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस थ्री इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस फाइव एक्स, ठीक है, टू एच स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस थ्री माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास आया एच स्क्वायर माइनस टेन एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को तो फॉलो कर रहा है, तो बोल सकते हैं कि ए एच स्क्वायर प्लस बी एच प्लस सी को ये फॉलो कर रहा है, ठीक है, इसको ये फॉलो कर रहा है। तो जब इसको ये फॉलो कर रहा है तो यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो लिख दीजिए हेंस द गिवन इक्वेशन, हेंस द गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ये भी यही पूछ रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं सेम। तो यहां पे क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, टू एच स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स एक्स, ये भी माइनस ये भी माइनस, प्लस थ्री एच स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस एक्स माइनस फाइव, ठीक है, दोनों को एक ही तरफ लेके आते हैं, टू एच स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर इधर आएगा माइनस फोर एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। ओके, एच स्क्वायर माइनस इलेवन एक्स प्लस एट इक्वल टू जीरो, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फॉलो कर रहा है, तो देख सकते हैं ए एच स्क्वायर प्लस बी एच प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। यहाँ से आप ए बी सी का भी वैल्यू अगर चाहे तो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, तो ये इसीलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि ये ए एच स्क्वायर प्लस बी एच प्लस सी को फॉलो कर रहा है, तो लिख सकते हैं कि हेंस The given equations is a quadratic equation. Okay? Equation. हो गया, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ।
तो हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन इजक्वल टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन इजक्वल टू, इसको सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर एक्स। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन माइनस करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस फोर, माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास आया सेवन एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे देखिए कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को ये फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर ऐसा लिखते हैं तो ए का वैल्यू आ जाएगा जीरो, जो पॉसिबल नहीं है। अगर ए का वैल्यू जीरो आया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ओके, ए डज नॉट इक्वल टू जीरो आना चाहिए, लेकिन इस कंडीशन में ए का वैल्यू क्या है, जीरो है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है। तो हेंस द गिवेन इक्वेशन इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन सेवन। यहां पे क्या दिया है, h प्लस टू का होल क्यूब इक्वल टू टू एच इंटू एच स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, तो यहां होल क्यूब है, तो सबसे पहले इसके लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, यही होता है। ओके, तो इसी फॉर्मूला पे इसको हम ब्रेक कर देंगे, एक इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, और इसी तरह से हम इसको ब्रेक कर देंगे। ओके, तो चलिए करते हैं। तो हमारे पास आएगा एच क्यूब प्लस एट, ठीक है, प्लस सिक्स एच स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स इक्वल टू टू एच क्यूब माइनस टू एक्स। तो सॉल्व करने पे हमारे पास ये है। ओके, इसको इस सेम डायरेक्शन में लेकर आते हैं, तो हमारे पास क्या आया, एच क्यूब प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स प्लस एट माइनस टू एच क्यूब प्लस टू एक्स इक्वल टू जीरो। इसको माइनस करेंगे क्या आएगा, माइनस एक्स क्यूब प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस फोर्टीन एक्स प्लस एट इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास आया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्यों, क्योंकि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को फॉलो नहीं कर रहा है। बोल सकते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को ये फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एच क्यूब है, यहाँ पे तो एच क्यूब है ही नहीं। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये इस इक्वेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो लिख लीजिए, हेंस द गिवन इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर एट। ठीक, इसमें भी क्यूब है, तो इसको भी इसको ए माइनस बी के होल क्यूब पे ब्रेक कर दीजिए। ओके, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी माइनस थ्री ए बी स्क्वायर, तो इस पर हम ब्रेक कर देंगे इसको। तो इसको तो फर्स्ट वाले को इसी तरह नोट कर देते हैं, एच क्यूब माइनस फोर एच स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू एच माइनस फोर का एच माइनस टू का होल क्यूब।
ओके, तो एच माइनस टू का होल क्यूब अगर करते हैं तो क्या होगा, एच क्यूब माइनस एट माइनस सिक्स एच स्क्वायर, ठीक है, प्लस 12x, ठीक है। तो इसको हम देख करते हैं प्लस 12x, तो इसको चलिए चेकआउट करते हैं, एच क्यूब माइनस फोर एच स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन माइनस एक्स क्यूब, ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस इक्वल टू जीरो, तो आएगा टू एच स्क्वायर माइनस थर्टीन एच माइनस ट्वेल्व एच माइनस एक्स माइनस थर्टीन एक्स, ठीक है, प्लस वन प्लस एट प्लस नाइन इक्वल टू जीरो। तो देख रहे हैं कि ये एच स्क्वायर प्लस बी एच प्लस सी को फॉलो कर रहा है, कर रहा है कि नहीं, यहाँ पर लिख सकते हैं टू एच स्क्वायर माइनस थर्टीन एक्स प्लस नाइन इक्वल टू जीरो, तो ये इसको फॉलो कर रहा है, तो इसलिए बोल सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हेंस द गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर हो गई बातें, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर वापस। तो ये क्वेश्चन नंबर वन के एट क्वेश्चंस थे, ठीक है, जिसमें हमें ये बताना था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है।